बीते कई महीनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सामने नहीं आई है, मगर अब रणवीर सिंह के एक ट्वीट ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। रणवीर ने जब हार्दिक पांडे की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया तो फैंस को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मामला तब उलझ गया जब ब्रॉक लेसनर के वकील ने रणवीर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि वह उनके क्लाइंट के कैच फ्रेज को यूज कर रहे हैं और ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। शुरू में ऐसा माना गया कि यह सब एक मजाक है, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर के वकील पॉल हेमन का बयान आने के बाद ये साफ हो गया कि पॉल इस मामले में पूरी तरह से सीरियस है। पॉल ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया, हार्दिक पांडे ने बहुत सा वक्त ये ख्वाब देखते हुए बिताया कि वह ब्रॉक लेसनर या रणवीर सिंह जैसे स्टार बने। पॉल ने बताया कि उन दोनों ने ब्रॉक लेसनर का कैच फ्रेज चुराया है जिसकी कीमत उनके क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन भी किया है। बता दें कि एक्टर रणवीर सिंह भारत पाकिस्तान मैच के दौरान इंग्लैंड में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। रणवीर सिंह ने हार्दिक पांडे के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट द नेम इज हार्दिक। WWE सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के लॉयर पॉल ने रणवीर के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, इट्स ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट। अगर आप अभी तक मामले नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट असल में ब्रॉक लेसनर का मशहूर डायलॉग है। पॉल के ट्वीट को समझने की कोशिश करें तो संभवतः ब्रॉक का ये कैच फ्रेज कॉपीराइटेड है।